गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर लियाल एंटरटेनर में। दोस्तों आप आज का जो वीडियो बना रहा हूं दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिमांडिंग वीडियो दोस्तों से था, क्योंकि काफ़ी ये हल्द्वानी में इस बार क्या कहते हैं जो नंदावली महोत्सव का आयोजन गणेश चतुर्थी आप देख रहे होंगे हल्द्वानी में, क्या उत्तराखंड में नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, हर जगह दोस्तों आयोजन किया जा रहा है अलग अलग रूप से, अलग अलग तरह से लोगों के द्वारा अपनी भक्ति दिखाई जा रही है दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी के नवाबी रोड आनंदपुरी में दोस्तों, जहाँ पर आयोजित किया जा रहा है दोस्तों नंदावली महोत्सव, नंदा अष्टमी जो आज है दोस्तों उसकी पहले सबसे पहले आपको मैं बधाई दे दूँ। और नंदा अष्टमी के उपलक्ष्य में ही दोस्तों वहाँ पर भी आयोजित किया जा रहा है, आयोजित तो वहाँ दोस्तों कार्यक्रम जो हो रहा है चार पाँच दिन से चल रहा है, ठीक है, गणेश चतुर्थी का भी चल रहा है उधर का भी। अभी इस टाइम पर दोस्तों उत्तराखंड के जगह जगह पे आपने भक्ति देखने को मिलेगी, और ठीक है अभी विसर्जन का कार्यक्रम भी होगा दोस्तों, आई होप आप मेरे को टाइम मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आनंदपुरी में जो पीलीभीत की टीम आई है दोस्तों, जो यहाँ पर टीम आई है पीलीभीत की बता रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया उनका प्रदर्शन काफ़ी टाइम से रहा है, काफ़ी साल से ये जो आनंदपुरी में जहाँ पर नवाबी रोड पर गणेश चतुर्थी और नंदावली अष्टमी का आयोजित किया जाता है, तो इस बार मुझे जाने का मौका मिल रहा है दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाऊंगा कि नंदा अष्टमी का जो कार्यक्रम रहा कल शाम का आज का तो कैसा रहेगा क्या रहेगा, होप आपको पसंद आएगी वीडियो, ठीक है। तो मैं भी तैयार व्यार होता हूँ और निकलता हूँ, मैं आपसे सीधा मिलूंगा दोस्तों वहीं, तब तक के लिए दोस्तों। जैसे ही मैं शाम को वहाँ पहुँचा तो थोड़ा लेट हो चुका था दोस्तों, अभी देखिए अभी शिव जी की बारात आ रही है दोस्तों, क्या कहते हैं, और विमल भाई भी साथ में मेरे पहुँच गए थे, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था दोस्तों यहाँ आने का, ठीक है। काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ के लगा, देखिए किस प्रकार से आप देखिए जो भीड़ है यहाँ पब्लिक देखिए, मुझे लगा नहीं था कि इतना बढ़िया ये कार्यक्रम होगा, और काफ़ी इन्जॉय मैंने किया हुआ है दोस्तों, आप भी देखिए। पापा को ये बोलो कि पापा भांग बहुत गंदी चीज होती है, पापा भांग बहुत गंदी चीज होती है, आप दूध पिया करो, पापा दूध पिया करो, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, और पापा जैसी सॉलिड बॉडी मेरी बन रही है आपकी भी बन जाएगी, छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध, ऐसे मोटे मोटे के लिए, रही बात लड्डू कलाकंद रबड़ी रसमलाई बालूशाही मिट्टी जलेबी, ये जितनी मिठाई है ना भोला खावे ना ये भोले के वक्त खावे, हमारी मिठाई तो लेडीज खाए करे, लेडीज तू कितना भोला है, ऐसे ये जितनी भी लेडीज है ना ये मिठाई नहीं खाती, क्या खाती है, ये खाती है गोलगप्पे, चाउमीन, देख तुम पानी आ
लगे हम देखो चाउमीन बर्गर पिज्जा समोसे चिल्ली पटेटो यानी कि लेडीज ये सारी की सारी लेडीज चटपटा खाती है लेडीज जी पर ये लेडीज एक चीज और खाती है और क्या खाती है ये लेडीज खाती है आदमी का दिमाग अब कहना क्या चाहते मैं ये कहना चाहूँ जब तुमने सुना भांग पिलाई नशा क्यों नहीं हुआ वो गई नहीं क्यों क्योंकि वो भांग नहीं थी क्या था उन्हें पानी में थोड़ा सा दूध मिला दिया लो जी अगर तू पानी में दूध मिलाती तो सफेद होता हरा क्यों था क्योंकि बोले ना मैंने उसमें थोड़ी सी परसम मिला दी तेरे जुलम कर दिया सुन ले मेरी बात क्या थी एक सुंदर सी प्रस्तुति आप सभी के बीच में प्रस्तुत करेंगे आयुष जोशी।